हेलो एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन सेज, व्हाट अफेक्ट डिड औरंगजेब्स डेकन कैंपेन हैव ऑन द मुगल एम्पायर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि औरंगजेब का जो दक्कन का अभियान था, डेकन का जो कैंपेन था, हैव ऑन द मुगल एम्पायर, उसका क्या प्रभाव पड़ा मुगल साम्राज्य पर। मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब के दक्कन के अभियान का क्या प्रभाव पड़ा। सो ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। इससे पहले कि हम ऑप्शंस पे आए, हम एक चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब का जो रूल था वो अप्रोक्सीमेटली 1656 से 1707 तक रहता है। और इसमें से अगर हम उसके शासनकाल के एक पार्ट को देखें, एक हिस्से को देखें, तो एक हिस्सा उसने पूरी तरह से नॉर्थ में रहकर रूल किया, और एक जो उसका पार्ट होगा, सेकंड पार्ट जो होगा उसके शासनकाल का, जब वो उसने साउथ के कैंपेन की और वो दक्षिण भारत के अभियान पर चला गया। अप्रोक्सीमेटली 1680 to 81 के अराउंड औरंगजेब साउथ में चले जाते हैं, और साउथ में जाकर वो अपने कैंपेन करते हैं, ठीक है। और साउथ की जो पावर्स थी, लाइक मराठा एम्पायर हो गए हैं या फिर जो डेक्कन सल्तनतें थी, उनमें मुगलों का काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट रहता है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इस साउथ के कैंपेन का क्या इफेक्ट हुआ। तो साउथ के कैंपेन का इफेक्ट यह हुआ कि मुगल्स जो थे या फिर औरंगजेब जो थे, वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स से पूरी तरह से क्या हो गए, पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। और मुगलों के पतन के पीछे एक कारण ये भी माना जाता है साउथ की औरंगजेब की पॉलिसी, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इट स्ट्रेंथ द एम्पायर फाइनेंशियली, इसके कारण साम्राज्य को फाइनेंशियली काफ़ी मजबूती मिली, तो ये एकदम गलत बात है। क्योंकि साउथ के कैंपेन में बहुत सारे युद्ध वगैरह उन्हें लड़ने पड़े, तो बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन मुगल एम्पायर के ऊपर पड़ा था। इट लेड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये बात भी एकदम गलत है, किसी प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन अभियानों से नहीं हुई। इट इन्वॉल्व्ड हाई एक्सपेंडिचर एंड वीकेंड द एम्पायर, इन अभियानों की वजह से मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, और इसी कारण मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। दैट विल बी द राइट आंसर। एंड लास्ट वन इज, इट इंक्रीज द रिलीजियस टॉलरेंस, ये बात भी कम्प्लीटली इनकरेक्ट है, बिकॉज इस वजह से रिलीजियस टॉलरेंस जो था वो बड़ा नहीं था, रिलीजियस टॉलरेंस घटा था। क्योंकि क्या हुआ कि औरंगजेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे की हत्या की गई, ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज की, और उसी के बाद मराठों और मुगलों के बीच में जो दुश्मनी थी वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई थी, ठीक है। सो इन साउथ के कैंपेन से रिलीजियस टॉलरेंस नहीं बढ़ा जबकि वो घटा है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।